एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी आई मेकअप लुक लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आईब्रो के आउटर कॉर्नर को बॉर्डर कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे फिलअप कर लूँगी। अब ये करने के बाद मैं अपने आईब्रो ब्रश कर लूँगी ताकि ये अच्छे से नेचुरल लुक दे। सेम प्रोसेस मैं अपने दूसरे आँख के लिए भी कर ले रही हूँ। के बाद मैं अपनी आईलिड पर अच्छी तरह से कंसीलर लगाऊंगी। इससे होगा ये कि हम जो भी कलर लगाएंगे उसका रंग अच्छे से उभर कर आएगा। अब इसे लूज पाउडर से सेक कर लेंगे और सेम प्रोसेस हम अपने दूसरे आंख पर भी करेंगे। और ये यहाँ हो गया। अब मैं अपने आई शेडो पैलेट से एक लाइट ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज एरिया पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद मैं एक डार्कर ब्लू शेड लेकर अपने आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरह से लगाकर उसे ब्लेंड करूंगी। अब हम उसी डार्क शेड को अपने इनर कॉर्नर पर लगाकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं एक लाइटर ब्लू शेड लेकर उसे अपने आईलिड पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। ध्यान रहे आपको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि यहाँ पर कोई खास लाइन ना दिखे। मैं व्हाइट सिमिल कलर को अपने फिंगर में लेकर उसे अपने आईलिड पर इस तरह से डैब डैब मोशन पर लगा लूंगी और इसे ब्रश से एक अच्छी तरह से फिनिशिंग लुक दे देंगे। मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आईलाइनर लगाने के समय इतना सीरियस होना बनता है क्योंकि लाइफ में चाहे जो भी बिगड़ जाए पर हमारा आईलाइनर नहीं बिगड़ना चाहिए, क्यों है ना। सो गाइस, हियर इज माय फाइनल लुक। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और मैं इस चैनल पर हेयर स्टाइल और मेकअप रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। सो इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।